वेलकम माय डियर स्टूडेंट। अभी आप देख रहे हैं मैथमेटिशियन राजेंद्र कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स। एग्जाम में मिलते हैं आपको हायर मैथमेटिशियन रिलेटेड अनेक टाइप का वीडियो। और अभी हम डिस्कस करने वाले हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन में एक टॉपिक है एडजेक्ट डिफरेंशियल। हालांकि एडजेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में भी पढ़ना है, लेकिन अभी हम एडजेक्ट डिफरेंशियल कैलकुलस का पार्ट में हम ये डिफरेंशिएशन का पार्ट से रिलेटेड ये टर्म बताने वाले हैं, राइट। और क्या है इसका डिफिनेशन, क्या है टर्म और कंडीशन, ये इसके बारे में डिटेल से जानकारी देने वाले हैं। थोड़ा ध्यान से देखेंगे और पूरी तरीका से देखेंगे। अब तक के मैंने जितना भी पार्शियल डिफरेंशिएशन का टॉपिक पढ़ाए हैं, और जो विद्यार्थी नहीं देखे वो जरूर पिछले लेक्चर जाकर देख लेंगी, ताकि उसमें जो भी टॉपिक डिस्कस किया है वो कंप्लीट रूप में बहुत अच्छा हो जाए, राइट। तो चलते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या है डिफरेंशिएशन। वो उन विद्यार्थियों के लिए है जो बीएससी कर रहे हैं या एमएससी कर रहे हैं या किसी कॉम्पिटेटिव की तैयारी करने वाले हैं, उनके लिए बहुत ही ये यूजफुल टॉपिक है। थोड़ा देखते हैं क्या इसका मेन फॉर्म है, राइट। एग्जैक्ट डिफरेंशियल, अब एग्जैक्ट डिफरेंशियल क्या है, मैंने डिफरेंशियल लिखा है इफ एन एक्सप्रेशन ऑफ द टाइप एम इंटू डी एक्स प्लस एन इंटू डी वाई, एम एंड एन आर फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई और कॉन्स्टेंट, राइट, एन एक्स और वाई या कॉन्स्टेंट, क्लियर, मे बी रिड्यूस टू डी यू वेयर यू इज ए फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, देन एम इंटू डी एक्स प्लस एन इंटू डी वाई इज सेड टू बी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी इस फॉर्म को ही एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं, एग्जैक्ट डिफरेंशियल ही बोलते हैं, राइट, इस फॉर्म को, क्लियर है। ये ध्यान रखिएगा कि एम इंटू डी एक्स प्लस एन इंटू डी वाई को ही एग्जैक्ट डिफरेंशियल बोलते हैं, राइट। इसका कुछ थ्योरी है, उस थ्योरी को थोड़ा हम एक लाइन लिखते हैं, उसके बाद हम थोड़ा एग्जाम्पल दिखाएंगे। अगर चाहेंगे थ्योरी का प्रूफ तो थ्योरी का प्रूफ भी करेंगे, लेकिन प्रूफ इसका नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, राइट, अगर कमेंट करेंगे तो, और नहीं तो सिर्फ एग्जाम्पल बता के काम चलाते हैं, ठीक है। देखिएगा क्या है इसका पहले थ्योरी, उसके बाद आगे बताएंगे। देखिए मैंने लिखा है थ्योरी में द नेसेसरी एंड सफिशियंट कंडीशन दैट द एक्सप्रेशन एम इंटू डी एक्स प्लस एन डी वाई v an exact differential is del m by del y equal to del n by del x, right? अगर ये टर्म दोनों इक्वल आ जाएगा तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का पार्ट में मेरा सेट कर रहा है, राइट। तो ये थ्योरी है जो क्या है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म का है। अगर ये चाहेंगे कि सर इसका प्रूफ कैसे होता है, नेसेसरी कंडीशन और सफिशियंट कंडीशन के द्वारा कैसे प्रूफ होगा, जरा प्रूफ करके दिखाएं, तो कमेंट कीजिएगा। इसका हम नेक्स्ट वीडियो जब बनाएंगे उसका हम प्रूफ करके भी बता देंगे, ताकि कोई दिक्कत ना हो, अगर कमेंट कीजिएगा तो। अगर दिक्कत नहीं है तो एग्जाम में सिर्फ इस पर क्वेश्चन ही आएगा कि कैसे क्वेश्चन इस पर पूछा जाता है, राइट। तो क्वेश्चन दिखाते हैं तो ज्यादा बढ़िया होगा, क्लियर है, क्योंकि थ्योरी जो है थोड़ा कभी कभी समझ में नहीं आता है, लेकिन उस थ्योरी को पूरा समझने के लिए उस पर एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम अगर करते हैं तो बेहतरीन क्वेश्चन हो जाता है, राइट। तो चलते हैं, इस पर क्वेश्चन जरा ज्यादा बढ़िया होगा, क्वेश्चन क्या है उसके बारे में, तो थ्योरी का क्लियर हो जाएगा। चलिए मैंने क्वेश्चन लिखा है कि प्रूव दैट द एक्सप्रेशन 2x plus y minus 3 into dx plus ax minus 4y plus 1 dy is an exact differential। अब देखिएगा सबसे पहले गिवन एक्सप्रेशन सॉल्यूशन कैसे करते हैं, पॉइंट टू पॉइंट देखिएगा। गिवन एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन क्या है 2x, गिवन एक्सप्रेशन 2x प्लस वाई माइनस 3 इंटू डी एक्स प्लस एक्स माइनस 4y प्लस 1 इंटू डी वाई। देखिए ये जो मैंने एक्सप्रेशन दिया है ये क्वेश्चन में, अब इसका क्या है फॉर्म जरा देखिएगा। ये जो फॉर्म लिख रहा है थ्योरी का, इस फॉर्म को हम सेट करते हैं। तो क्या लिखा है कि m into dx, देखिएगा यहां पे साइड में हम थ्योरी का कंपेयर करते हैं, m into dx plus n into dy। अब देखिए क्या इसका टर्म और कंडीशन बनता है, तो m जो dx का जो कोफिशिएंट है वो 2x plus y minus 3 है, और यहां पे क्या है m है, क्या लिखते हैं जरा देखिएगा, m equals to 2x plus y minus 3, राइट। फिर देखिएगा dy का कोफिशिएंट यहां n है, यहां क्या लिखा हुआ है x माइनस 4y प्लस 1,
यानी n इक्वल्स टू x माइनस फोर वाई प्लस वन, राइट, जो सामने दिख रहा है। अब इसके बाद हम एक काम क्या करते हैं, यहां पे लिखा है कि एडजेक्ट डिफरेंशियल तभी होगा जब m को y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे, n को x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे, और दोनों का वैल्यू क्या चाहिए इक्वल आ गया तो एडजेक्ट डिफरेंशियल कंप्लीट है, राइट। जरा देखते हैं यहाँ पे, देखिए इसका हम पार्शियल डिफरेंशिएट कर रहे हैं, पार्शियल डिफरेंशिएट y के रिस्पेक्ट में करते हैं, अगर पार्शियल y के रिस्पेक्ट में करते हैं तो x मेरा कांस्टेंट पार्ट, ये होगा जीरो, इसका वन और ये भी जीरो हो जाएगा, यानी ये कंप्लीट मेरा वन आ जाएगा। फिर इसमें भी देख लेते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएट x के रिस्पेक्ट में करते हैं तो ये इसका वन होगा और ये y मेरा पूरा कांस्टेंट पार्ट होगा और इसका जीरो होगा, यानी कंप्लीट वन होगा। तो यहां पर देखिएगा m के जो डिफरेंशिएट किया पार्शियली x के रिस्पेक्ट में y के रिस्पेक्ट में तो वन आया, और n का x के रिस्पेक्ट में क्या तो भी क्या गया वन आ गया। अब दोनों मेरा क्या गया इक्वल आ गया है, अगर दोनों इक्वल आया है तो एक चीज तो ध्यान में रह गया कि डेल m y डेल y और डेल n y डेल x, ये दोनों अगर कंडीशन इक्वल है तो समझ जाइए कि ये एडजेक्ट डिफरेंशियल है, और वो एडजेक्ट डिफरेंशियल नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन दोनों का ये सेटिस्फाई कर रहा है, क्लियर। तो एक लाइन लास्ट में हम लिख देते हैं प्रूफ के लिए, क्लियर, तो ज्यादा बढ़िया हो लिख देते हैं लाइन में। तो यहां पे देखिए क्या लिखे हैं, क्या कि विच इज द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर द गिवन एक्सप्रेशन टू बी एन एडजेक्ट डिफरेंशियल, राइट। ये एडजेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का ये फॉर्म प्रूफ हो गया, मतलब जो एम मेरा दिखा वो m जो है उसको y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट किया और n को x के रिस्पेक्ट में, दोनों आया टर्म बराबर आया है तो मेरा एडजेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का टर्म मेरा सेटिस्फाई कर रहा है, क्लियर। चलिए हम और भी क्वेश्चन चलते हैं। तो ये यहाँ पे जो सामने दिख रहा है ये डिफरेंशिएशन है और इसका थ्योरी है, ठीक है, और उस पर मैंने एक एग्जांपल दिया। अभी हम पूरा को मिटाते हैं और एक क्वेश्चन और दिखाते हैं तो ज्यादा बढ़िया होगा, क्लियर भी होगा और बेस्ट भी होगा। इसी तरह से बहुत सारे क्वेश्चन बनाइएगा। और एक चीज और हम बताना चाह रहे हैं कि अगर अगर इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा कि अगर प्रूफ चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कीजिएगा ताकि इस पर नेक्स्ट वीडियो हम बनाएं और इसका प्रूफ भी करें ताकि दिक्कत ना हो, कोई कंफ्यूजन ना रहे। हालांकि एग्जाम में पूछता नहीं है लेकिन फिर भी चाहेंगे तो कमेंट भी कर सकते हैं, हम प्रूफ कर देंगे, ठीक है। चलिए और क्वेश्चन बताते हैं, इसको मिटाते हैं इसके बाद। चलिए देखिए क्वेश्चन है, प्रूव दैट द एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन है x क्यूब प्लस थ्री एक्स वाई स्क्वायर इक्वल इनटू dx प्लस y क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर y dy इज एन एडजेक्ट डिफरेंशियल। अब कैसे इसका एडजेक्ट डिफरेंशियलेशन का फॉर्म सेट करते हैं देखिएगा। सबसे पहले सॉल्यूशन हम कर रहे हैं, तो इस फॉर्म में गिवन एक्सप्रेशन x क्यूब प्लस थ्री एक्स वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस वाई क्यूब थ्री एक्स स्क्वायर वाई डी वाई, इसका फॉर्म क्या होता है बाय डिफिनेशन और एडजेक्ट डिफरेंशियल में m इंटू डी एक्स प्लस n इंटू डी वाई। अब इस फॉर्म में तो देखते हैं dx का जो कोफिशिएंट m कहलाएगा, तो m जो है x क्यूब प्लस 3x y स्क्वायर, dy का कोएफिशिएंट n का लाएगा, n बराबर लिख सकते हैं y क्यूब 3x स्क्वायर y। अब इसमें हम पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं, पार्शियली डिफरेंशिएट y के रिस्पेक्ट में करते हैं। अभी मैंने थ्योरी लिखा था कि पार्शियली डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में, तो ये मेरा x कांस्टेंट पार्ट होगा तो ये जीरो हो जाएगा, 3x भी बाहर होगा और y स्क्वायर का डिफरेंशियल 2y जिसको लिख सकते हैं 6xy, राइट। वैसा ही देखिएगा इसमें भी हम x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट तो ये कांस्टेंट पार्ट होगा और 3 और y कांस्टेंट पार्ट x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x यानी लिखेगा क्या 6xy। अब यहां पे जरा देखिएगा, अब y का रिस्पेक्ट है और x का रिस्पेक्ट है दोनों, अब x और y दोनों देखते हैं क्या बराबर है, तो देखिएगा हेंस जो m के रिस्पेक्ट y के रिस्पेक्ट आया है m का और n वाला में x के रिस्पेक्ट, क्या दोनों इक्वल आया है, दोनों इक्वल आया है,
तो ये जो गिवन एक्सप्रेशन है वो एडजेक्ट डिफरेंशियल डिफरेंशियल है, राइट। तो लिखेंगे विच दिस प्रूफ, क्लियर, या फिर लिखेंगे हेंस द एक्सप्रेशन, हेंस द एक्सप्रेशन इज एन एडजेक्ट डिफरेंशियल, गिवन एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन इज एन एडजेक्ट डिफरेंशियल, एडजेक्ट डिफरेंशियल। आसान तो तरीका है कि अगर इस फॉर्म में हम इक्वेट करेंगे एम और एन का प्रोसेस में, और एक बार एम वाला में वाई का रिस्पेक्ट और एन वाला में एक्स का रिस्पेक्ट करेंगे और दोनों बराबर आ गया तो एडजेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होगा जो सामने दिख रहा है, क्लियर। तो इस तरह के क्वेश्चन हम बना सकते हैं बहुत टाइप का। अब हम क्वेश्चन एसडब्ल्यू में देते हैं, जो क्वेश्चन बनाइएगा तरीके से, और बनाने के बाद अगर नहीं बनेगा तो कमेंट भी कीजिएगा, उस पर क्वेश्चन बताया जाएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। चलिए मैंने कुछ क्वेश्चन दिया है जो एसडब्ल्यू के रूप में है, ये प्रूफ करना है, ये भी प्रूफ करना है कि लेकिन ये नॉट एडजेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन मैंने दिया है। अब देखिए आप प्रूफ करके क्या आता है क्या नहीं आता है वो बताइए कमेंट में, क्लियर। और जो नहीं बनेगा तो कमेंट में भी बताइएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो का हम प्रोग्राम इस पर ही बनाएं, राइट। चलिए तो आज इतना ही, फिर विशेष मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए थ्योरी नए क्वेश्चन के साथ। जब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए, पढ़ते रहिए पार्शियल डिफरेंशिएशन का एडजेक्ट डिफरेंशियल कैलकुलस का पार्ट, राइट। और अगर समझ में आता है तो जरूर विद्यार्थियों में शेयर कीजिए ताकि उनका भी संपूर्ण पढ़ाई हो सके, राइट। चलिए तो आज इतना ही, राइट।